वेट लॉस करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, डाइट से लेकर फिजिकल वर्कआउट तक हर चीज ट्राई करते हैं। पोर्शन कंट्रोल करने के लिए हमें कई चीजों को अवॉइड भी करना पड़ता है। ऐसी कई चीजों को छोड़ना पड़ता है जो हमें खाने में पसंद होती है। इसी तरह हर किसी का वेट लॉस का अपना तरीका होता है। कुछ लोग वजन घटाने के लिए रात का खाना स्किप करते हैं, लेकिन क्या वजन घटाने के लिए रात का खाना छोड़ना सही है? क्या इससे वजन घटाने में सच में मदद मिलती है? साथ ही क्या यह वेट लॉस के लिए हेल्दी तरीका है? क्या वेट लॉस करने के लिए रात में खाना छोड़ना सही है? वजन घटाने के लिए यह सही तरीका नहीं है। इसके कारण आपके शरीर में कैलोरी की कमी हो सकती है। साथ ही खुद को भूखा रखने से आपको कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। रात में खाना छोड़ने के शरीर को क्या नुकसान होते हैं? एक, मेटाबॉलिज्म कम होना। वेट लॉस के लिए शरीर में कैलोरी इंटेक मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन अगर आप पर्याप्त कैलोरी नहीं लेते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो सकता है। यह आपके लिए वजन घटाना और भी मुश्किल बना सकता है। दो, पोषक तत्वों की कमी। रात में खाना छोड़ने से न सिर्फ आप में कैलोरी की कमी होगी, बल्कि इससे आप में पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। इससे आप दिन भर एनर्जी की कमी महसूस करेंगे, साथ ही आपको थकावट और सुस्ती भी रहने लगेगी। तीन, ब्लड शुगर लेवल डाउन होना। अगर आप डिनर स्किप करना आदत बना लेते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी डाउन हो सकता है। इससे आपको थकावट, सुस्ती, ध्यान लगाने में परेशानी भी हो सकती है। साथ ही आपको दिन भर चिड़चिड़ा भी महसूस हो सकता है। अनहेल्दी खाने की आदत। डिनर स्किप करने से आपको बाद में भूख लग सकती है। ऐसे में आप न चाहते हुए भी अनहेल्दी चीजें खा सकते हैं। इससे आपका वजन कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ सकता है। वजन घटाने का सही तरीका क्या है? एक्सपर्ट के मुताबिक वजन घटाने के लिए पोर्शन कंट्रोल और बैलेंस फूड पर ध्यान देना जरूरी है। अगर डिनर में लीन प्रोटीन, सब्जियां और अनाज को सही मात्रा में लिया जाए तो वजन घटाने में मदद मिल सकती है। साथ ही अगर आप सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लेते हैं तो इससे आपको वजन घटाने में मदद मिलेगी। अगर आप कोई भी डाइट टाइप फॉलो कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर करें।